यार आइसक्रीम तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम कोन वो तो कोई नहीं बनाता। जो लगता तो टफ है लेकिन है बहुत सिंपल। तो चलिए आज मेरे साथ बनाइए वॉफल कोन और चौंका दीजिए सबको। इसके लिए हम लेंगे आधा कप चीनी, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, 1 पिंच सॉल्ट, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। फिर इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा और इसे अच्छे से छानने के बाद आधा कप दूध धीरे धीरे डालते हुए वाफल कोन का बैटर तैयार कर लेंगे। बाद हम बैटर को फ्रिज में से निकालेंगे और इसके छोटे छोटे डोसे तैयार कर लेंगे। डोसे डालने के पहले पैन को हल्का सा गर्म करके गैस बंद कर दीजिए और फिर बैटर को अच्छी तरह से पैन पर फैलाने के बाद गैस मीडियम लो फ्लेम पर चालू कर लीजिए। जब आपको दिखने लगे कि डोसा भूरा हो गया है, इसे पलट दीजिए और दोनों तरफ से अच्छी तरह से डोसे को सेकने के बाद इसे किचन नैपकिन पर निकाल लीजिए और तुरंत ही कोन का शेप दे दीजिए और थोड़ी देर इसे ऐसे ही होल्ड करके रखिए। तो लीजिए, तैयार हो गए हमारे आइसक्रीम वॉफल कोन। देखा कितना आसान है ना इसे बनाना। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर डोसा पलटते वक्त कहीं क्रैक आ जाए तो तुरंत ही हाथ से घोल के एक पतली लेयर क्रैक पर लगाकर उस क्रैक को भर दीजिएगा, है ना क्रिस्पी एंड क्रंची। तो चलिए इसे थोड़ा डेकोरेट भी कर लेते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।